हेलो दोस्तों, कुक विद ममता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी स्पिनिच लवर्स के लिए है। हम बनाने वाले हैं चीजी कॉर्न स्पिनिच सैंडविच। ये काफी हेल्दी हैं और साथ में बहुत ही टेस्टी भी हैं। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अब इसमें 2 टीस्पून मैदा डालें, 2 टीस्पून ही बटर डालेंगे। मैदा को हल्का सा ब्राउन होने तक भूनें। साथ ही इसमें मैंने 2 गार्लिक के क्लोव्स को चॉप करके लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दें जिससे कि इसका थोड़ा कच्चापन निकल जाएगा। गार्लिक अगर आपकी पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको भून लें। ये देखिए मैदा का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें ये 1/2 कप दूध लिया है, ये इसमें ऐड करें। इसे लगातार चलाते रहें जिससे कि कोई भी लम्स इसमें ना पड़ने पाए। फ्लेम को हमने लो ही रखा है। यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न को बॉईल करके लिया है, ये इसमें ऐड कर दें। साथ ही यहाँ मैंने 50 ग्राम के करीब पालक को रफली चॉप करके लिया है, ये भी इसमें ऐड कर दें। इसको अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ मैंने 1 चीज़ क्यूब लिया है, इसको भी ग्रेट करके इसमें ऐड करें। ये मैंने 2 टेबल स्पून के करीब पनीर लिया है, ये भी इसमें ग्रेट करके डालें। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब बस फ्लेम को ऑफ करें और बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालें, आप स्वाद अनुसार नमक भी डाल सकते हैं। थोड़ा ब्लैक पेपर डालें, इसको मिक्स करें। 1 टीस्पून के करीब चिली फ्लेक्स ऐड करें, मिक्स कर दें। टेस्ट के अकॉर्डिंग ओरिगेनो इसमें डालें। अब इसे ठंडा होने के लिए रखें। गैस की फ्लेम पर 1 तवा गर्म होने के लिए रखें और इस पर ये 2 स्लाइसेस रोस्ट होने के लिए रखें। ये को इसी तरह से तवे पर सेक लें। स्लाइसेस ये थोड़ा सिक गए हैं और ये ऊपर से क्रिस्पी हो गए हैं। आप इसे टोस्टर में भी सेक सकते हैं। इनको निकाल लें और बाकी के 2 स्लाइसेस भी सेक लें। चलिए अब स्टफिंग कर लेते हैं। ये देखिए, ये 2 स्लाइस मैंने टोस्टर में रोस्ट किए हैं, ये वाले तवे पर। और ये स्प्रेड भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको ब्रेड पर स्प्रेड करेंगे। 2 स्लाइसेस पे मैंने मिश्रण स्प्रेड कर दिया है। अब इसको कवर करें। इन स्लाइसेस को अब तवे पर सेकेंगे। सैंडविच को तवे पर रखें। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। इसी तरह से दूसरा सैंडविच भी तवे पर रखें। फ्लेम को लो ही रखें। इसे हम बटर से सेकेंगे। थोड़ा थोड़ा बटर इस पर लगाएं। बटर की जगह आप घी या ऑयल का यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरे सैंडविच पर भी लगाएं। बटर को मैंने पहले से फ्रिज से निकाल कर रखा था, इसलिए ये आसानी से स्प्रेड हो रहा है। दोनों सैंडविच पर मैंने बटर अप्लाई कर दिया है। अब इसको पलटें और बटर वाली साइड से सेकें। इस साइड भी बटर अप्लाई करें। बस अब इन्हें क्रिस्प होने तक लो टू मीडियम फ्लेम पर सेक लें। इसको पलटें। कलर तो इसका बहुत अच्छा आया है। वाओ, देखिए कितने अच्छे कलर के साथ हम इन्हें सेक रहे हैं। थोड़ा सा इन्हें और गोल्डन कर लें। सैंडविच का कलर एकदम फाइन हो गया है। अब फ्लेम को ऑफ करें और इन्हें निकाल कर कट करें। सैंडविच को मैंने निकाल लिया है। अब इन्हें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कट करें। मैं स्ट्रिप्स में कट कर रही हूँ। और ये देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट और मजेदार सैंडविच बने हैं। जो भी इन्हें खाएगा वो आपकी तारीफ करेगा। अब आप भी इसे जरूर बनाएं। कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप साथ में आए हुए बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।